हिमांशु यादव, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। तो ये हैरियर आपने देखी होगी पुरानी वीडियो, तो आज हम इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके आए हैं आपके सामने। तो आज हम आपको इसके ओनर से मिलवाएंगे जो कि हमारे साथ हैं। तो भाई गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं। भाई आपका नाम? भाई अक्षित यादव। अक्षित यादव समयपुर से। तो भाई ये टाटा हैरियर के ओनर हैं, डार्क एडिशन जो आपने पिछली वीडियो देखी थी। तो भाई कैसी लगती है गाड़ी? भाई एक नंबर गाड़ी है। सजेस्ट करोगे? बिल्कुल, नई वाली तो और अच्छी आई है जो भी आई है सनरूफ के साथ। हाँ। तो भाई ये एवरेज वगैरह क्या दे देती है? लोकल में भाई 11-12 हाईवे पे ढंग से चलाओगे तो 16 भी देती है। 16 कितने? अगर 70-80 चलाएंगे तो 18 भी दे देगी। 18 दे देगी। तो भाई चलाने में मतलब कंफर्ट कैसा है कार में? कंफर्ट बहुत बढ़िया, बस इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे डेड पेडल नहीं दिया हुआ। डेड पेडल नहीं दिया। और भाई मैंने सुना है टाटा की गाड़ियाँ लोग हैरियर सफारी उसमें ऑटोमेटिक में ज़्यादा लेते हैं। हाँ हमारे टाइम पे ऑटोमेटिक थी नहीं, वरना हम भी लेते हैं। थी नहीं? अच्छा, तो क्योंकि उसमें पिकअप वगैरह इनका ज़्यादा बताया गया थोड़ा। हाँ उसमें BHP बढ़ाई है इस बार टाटा ने और टॉप कन्वर्टर देते हैं। हाँ तो भाई एक बार पिकअप दिखाओगे कार का? चलो भाई। तो भाई एक बार लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच है, यहीं पे लेके चलते हैं इसकी ड्राइव पे। स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका पिकअप देखना, सामने स्ट्रेच देख लो, बिल्कुल खाली है। तो खाली जगह पे ही कर रहे हैं, तो चलो भाई। तो सेकंड थर्ड गियर पे देख लो, 100 चढ़ जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ब्रेकिंग देखो जरा इसकी, भाई बहुत अच्छे ब्रेक है बहुत। और पिकअप तो गाड़ी का मतलब ऐसा है कि पंजा दबाते के साथ 1 सेकंड का भी लैग नहीं लेती है। तो एक बार अब नॉर्मल में करते हैं, ये सिटी में थी अभी जो हमने वो मतलब ये कुछ दिखाया पिकअप आपको, वो स्पोर्ट्स मोड में था, अब नॉर्मल में करेंगे। तो ये स्पोर्ट्स मोड में सेकंड गियर में डाली थी, उससे पहले नॉर्मल पे थी। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। वहाँ देखो मीटर में टॉर्क वगैरह सब कुछ दिख रहा है आपको। ये देखो कैसे टायर स्पिन मारते हैं, मतलब कि पावर कार में जो पावर है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। अब ब्रेकिंग देख रहे हैं इसकी, भाई बिल्कुल मतलब अगर आप इसको हाईवे पे चला रहे हो 160-180 रोकनी होगी ना भाई, ये रुक जाएगी, जहाँ रोकनी होगी वहाँ रोक सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। अब एक बार इसे वापस लेके चलते हैं, एक ही लास्ट बार और देख लो, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, मतलब एंड नहीं, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे ओनर से। देख लो भाई मीटर सेकंड गियर पे स्पोर्ट्स मोड। भाई तो भाई अभी हमने वो जो रन था अपना पिकअप वगैरह का वो सब कर लिया। तो भाई ये बताओ ये जो इसके ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब है ये काम के हैं? भाई ये हमने एक बार ये वाला बेट मोड ट्राई किया था, बेट मोड तो इसका बढ़िया काम करता है। हाईवे पे जब बारिश वारिश हो रही थी तो गाड़ी बिल्कुल टिक के चल रही थी। तो मतलब इससे होता क्या है? इससे सस्पेंशन डाउन हो जाता है थोड़े, गाड़ी थोड़ी लो प्रोफाइल हो जाती है तो उससे टिक के चलती है रोड पे। भाई इसको कहाँ कहाँ लेके गए हो हैरियर को? भाई ये जैसलमेर भी चली गई, लद्दाख भी चली गई, काफी जगह चली गई घूमने पहाड़ों में। तो लद्दाख वगैरह में तो भाई हमें पता है कैसे रास्ते होते हैं, तो वहाँ इन मोड्स का कुछ यूज करा आपने? बिना मोड्स के बढ़िया चल रही थी भाई, मोड्स का तो कोई काम अच्छा, नहीं मोड्स के तो काम नहीं होगा। तो भाई ये था कुछ भाई का एक्सपीरियंस जो टाटा हैरियर ओन करते हैं। तो भाई कैसी मतलब कितने की पड़ गई थी ये गाड़ी आपको? ये भाई ये सब मुझे यार पता नहीं। तो भाई वो पापा को पता है इनके, तो ये सब छोड़ देते हैं। ये लाइन काट दियो, पहले बताने कितने की। भाई टॉप मॉडल है डार्क एडिशन, बस ये पता है कि इसके लिए 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। किस किस चीज़ के लिए भाई, एक बार वो और बता दो। भाई जो ये पेंट है, हाँ ये ट्रिम, ये बाकी नॉर्मल में वुडन होती है, इसमें ये वाली है। हाँ सीट कवर्स बैक और तो बस यही। तो भाई ये था कुछ भाई का एक्सपीरियंस टाटा हैरियर का। तो भाई वो करते हो मतलब लोगों को कि हाँ आप ले सकते हो अगर आप पे 20-25 लाख रुपए हो तो? मेड इन इंडिया चीज़ है। मेड इन इंडिया, तो थैंक यू सो मच। We'll be right back.